गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जीओसी का आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है और अभी मुझे लगता है कि आपका टेस्ट उतना अच्छा गया नहीं होगा। क्या मैं सही हूं? बेटा यस सर, बिल्कुल सही हो आप। ये सिर्फ तू बोल रहा है, बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी आपका जीओसी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया होगा और उसके पीछे वजह यह है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए थे उनसे रिलेटेड अभी भी कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आगे भी डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका टेस्ट परफॉर्मेंस पुअर रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि इसी का जब नेक्स्ट टेस्ट होगा जीओसी का तो उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम लोग उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं बिकॉज प्रॉब्लम्स जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब आप रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें हाइपर कंजुगेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। आप इंडक्टिव इफेक्ट की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से अभी आपने उतनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं की है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होने की वजह से और कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड होने की वजह से अभी आपका टेस्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। ये मैंने पास्ट में भी देखा है और उसी के बेसिस पे बिना आपका टेस्ट का स्कोर देखे मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो आगे जीओसी के और भी टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में जो है आप 100% आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो मैं अभी आज की क्लास में केमिकल कैनेटिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूं। केमिकल कैनेटिक्स में वैसे मैं इस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये जो जीओसी वाला टेस्ट हुआ है इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा तो उससे आपको और अच्छे से फर्दर प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो केमिकल कैनेटिक्स में जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म था केमिकल कैनेटिक्स का वो मैंने लास्ट क्लास में फिनिश किया था और अब मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को स्टार्ट करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बेटा ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? बोलते हैं कि एक रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है और कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन का जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है वो कुछ और है। मतलब अगर रिएक्शन का ऑब्जर्व्ड ऑर्डर रिएक्शन के एक्चुअल ऑर्डर से डिफर करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस बात को नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, इफ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इफ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इफ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, इफ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम इट्स एक्चुअल ऑर्डर, फ्रॉम इट्स एक्चुअल ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन देन रिएक्शन इज कॉल्ड, देन रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन अंडर दैट कंडीशन।
then reaction is called pseudo order reaction under that condition. Pseudo order reaction under that condition. अब यहां पे एक चीज आपको और बता दूं कि pseudo order reaction तब ऑब्जर्व होती है जब कोई एक reactant बहुत ज्यादा amount में present होता है. ठीक है, लिख लो इस बात को. Pseudo order reaction is observed. Pseudo order reaction is observed in those cases. Pseudo order reaction is observed in those cases where one of the reactant is present. Where one of the reactant is present in large excess. Where one of the reactant is present in large excess. तो नॉर्मली अगर किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट एज अ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है. तो इस बात को भी लिख लो, पैरा चेंज करके लिखो. इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट If during a reaction, solvent is involved as reactant, then reaction is called pseudo order reaction. Then reaction is called pseudo order reaction. जैसे हम इस reaction को consider कर रहे हैं, acid hydrolysis of ester. तो ये ester है, ester को हमने water के साथ react कराया in presence of acid catalyst. तो रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. यहां पे देखो, ये वाटर जो है, जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एज अ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड है, और सॉल्वेंट को हम मोस्टली लार्ज एक्सेस में लेते हैं. तो अगर सॉल्वेंट को हम लार्ज एक्सेस में कंसिडर कर रहे हैं, तो जो रेट लॉ होगा वो इसके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा. याद करो, मैंने पीछे बताया था ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में जो कंपोनेंट लार्ज एक्सेस में होता है, रेट लॉ उसके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, R इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ester. R is equal to k times concentration of ester. तो ये इसका रेट लॉ होगा. ठीक है, बट अगर यहीं पे हम alkaline hydrolysis of ester को consider करें, alkaline hydrolysis of ester, तो ये pseudo order reaction का example नहीं होती. जैसे ये रिएक्शन है, RCOOR prime plus NaOH gives RCOONA plus R prime OH. इसको alkaline hydrolysis of ester बोलते हैं. यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एस्टर के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और एल्काली के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
जबकि ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको समझ में आया कि कैसे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि एक रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं? आपको हमेशा ये देखना है कि क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। अगर किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो सर्टेनिटी के साथ वो रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी। तो ये क्लियर हो गया बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट? अब आप लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो डिस्कस होता है, फर्स्ट टर्म ये है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ अ रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ अ रिएक्शन। इसको हमेशा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो आप इसकी डिफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म बताया था, वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल उसको बोलते हैं, इधर मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो आप लिखो द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, the ratio of rate constant, the ratio of rate constant differing by 10 degree centigrade, the ratio of rate constant differing by 10 degree centigrade is called temperature coefficient of the reaction. Ratio of rate constant differing by 10 degree centigrade is called temperature coefficient of the reaction. आगे लिखो, its value lie in the range of 2 to 3. टेम्परेचर कोफिशियंट की जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करती है, और टेम्परेचर कोफिशियंट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर कोफिशियंट म्यू इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात और नोट करो, लिखो इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट इज यूजुअली सेलेक्टेड एज 25 degree centigrade and 35 degree centigrade.
25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है तो हम टेम्परेचर यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट के डिटरमिनेशन के लिए। अब देखो बेटा, अगर आपको किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है और एक टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट पता है तो आप दूसरे टेम्परेचर पे उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हो। अब जरा देखो कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। एक टेबल के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिया एंड रेट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेट कांस्टेंट मान लो K1, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट K1 है, हमने टेम्परेचर बढ़ा करके कर दिया T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली टेम्परेचर कोफिशिएंट से चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा म्यू इनटू के वन, म्यू टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम रेट कांस्टेंट T1 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि T1 प्लस 20 कर देते हैं तो इसमें फिर से म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा म्यू स्क्वायर के वन। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को फर्दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू क्यूब इंटू के वन। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर चेंज करके T2 यानी कि T1 प्लस n इंटू 10 कर देते हैं, T2 दैट इज इक्वल टू T1 प्लस n इंटू 10 तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा K2 एंड K2 इज इक्वल टू म्यू टू दी पावर n इंटू K1, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखो तो यहां से ये आ गया, देयरफॉर K2 बाई K1 इज इक्वल टू म्यू टू द पावर n, K2 बाई K1 इज इक्वल टू म्यू टू द पावर n, और n को अगर हम कंसीडर करें वेयर n इज इक्वल टू, तो n वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, तो n इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय 10। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं K2 बाय K1 इज इक्वल टू म्यू टू द पावर T2 माइनस T1 बाय 10। अब इसमें क्या है कि अगर प्रॉब्लम में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन, म्यू गिवन, T1 और T2 गिवन है और K1 गिवन है तो आप K2 निकाल सकते हो। तो एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट वैल्यू, रिएक्शन की टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू और दूसरा टेम्परेचर अगर आपको पता हो तो आप दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा वो यहां से डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखो थियरी ऑफ
रिएक्शन रेट, थियरी ऑफ रिएक्शन रेट, थियरी ऑफ रिएक्शन रेट, इसमें लिखो टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग, फॉलोइंग थ्री थियरीज आर प्रपोज्ड, फॉलोइंग थ्री थियरीज आर प्रपोज्ड। नंबर वन, आर्हेनियस थियरी, नंबर टू कोलिजन थियरी, नंबर थ्री एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। कुल मिलाकर के अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट को समझना है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट को समझने के लिए हम टोटल ये तीन थियरीज की बात करते हैं, आर्हेनियस थियरी, कोलिजन थियरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। इसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी है ये आपके लेवल पे डिस्कस नहीं होगी। बस एक छोटी सी बात जो आपको मैकेनिज्म में मैंने बताया भी है कि जब कोई रिएक्शन का स्टेप को हम परफॉर्म करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है बिकॉज उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होता है। तो बस अभी आप इतनी ही बात समझ सकते हो, बाकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी जो है वो आपके लेवल पर डिस्कस नहीं होगी। आपको आर्हेनियस थियरी, इनफैक्ट कोलिजन थियरी का भी पूरा डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, कोलिजन थियरी का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही डिस्कस होगा, आर्हेनियस थियरी पूरी तरीके से डिस्कस होगी आपके लेवल, ठीक है। तो आप जरा एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, यहां पे हेडिंग गिवन है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 The time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 degree centigrade. अगर 50 degree centigrade पे reaction को perform कर रहे हैं, तो जो reaction का half life है वो 12 minute है. 5 hour at 25 degree centigrade. जबकि वही reaction अगर 25 degree centigrade पे perform की जा रही है, तो half life 5 hour है. और अगर वही reaction 0 degree centigrade पे perform की जा रही है, तो उसका half life 10 days है. इसका मतलब है कि आप अगर टेम्परेचर बदल रहे हो तो हाफ लाइफ टाइम बदल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बदल रहा है। यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर देन एट अ लोअर टेम्परेचर। तो बोल रहे कि अगर KNO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में
रिएक्शन को हम परफॉर्म करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो ऑक्सैलिक एसिड के ऐड करने पे फास्टर मैनर में डीकलराइज होगा अगर हम रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे। बट अगर हम उसी रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे तो जो डीकलराइज होने का जो रेट होगा वो स्लो होगा। आगे देखो लिखा हुआ, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो ये नियरली डबल्ड की बात करें बट अभी मैंने आपको क्या बताया था, डबल टू ट्रिपल्ड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पे जो रेट कॉन्स्टेंट है वो डबल टू ट्रिपल होता है। आगे देखो बोले द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच केमिस्ट जे एच वांटहॉफ बट स्वीडिश केमिस्ट आर्हेनियस प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर्हेनियस थियरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वांटहॉफ एंड आर्हेनियस। वांटहॉफ और आर्हेनियस ने मिलकर के इस थियरी को प्रपोज किया। अब यहां पे आर्हेनियस इक्वेशन लिखी हुई है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वेर ए इज द आर्हेनियस फैक्टर और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर या समटाइम्स इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट इज अ कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। R is gas constant and E is activation energy measured in joule per mole. अब यहाँ पे आगे बता रहा है it can be understood clearly using the following simple reaction. तो पहले आप कुछ information note करो आर्हेनियस थियरी के बारे में। लिखो आर्हेनियस थियरी। अपूर्वा माइक म्यूट करो बेटा। मैं पी नहीं है सर अभी। बेटा अभिनव आनंद सर। अच्छा अभिनव आनंद, अभिनव ने पूछा था। अभिनव की अभिनव आनंद देखा बेटा मैं कहां फोटो मारी थी। अपूर्वा हां क्रॉस एक अपने आप को ने आर्गुमेंट में लाया है। आर्हेनियस थियरी के बारे में नोट करो। दिस थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय वांटहॉफ एंड आर्हेनियस। आगे लिखो दिस इक्वेशन, इसको ऐसे लिखो आर्हेनियस इक्वेशन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर केमिकल चेंजेज। बट नॉट फॉर न्यूक्लियर चेंजेज। तो बोल रहे कि आर्हेनियस थ्योरी को हम सिर्फ केमिकल चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर चेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं कि जो केमिकल चेंज है उसका रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ डिफर करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चेंज है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो आप इस बात को नोट कर लो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर चेंज
because rate of reaction of nuclear change is independent from temperature. तो क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी भी टेम्परेचर बताती है, और न्यूक्लियर चेंज का जो रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए आर्हेनियस थियरी का न्यूक्लियर चेंज के लिए कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। मतलब आर्हेनियस थियरी को हम न्यूक्लियर चेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन को कंसिडर करें तो आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे मैथमेटिकल फॉर्म है, तो आप नोट करो वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज एज फॉलोज। नंबर वन, एक तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म को कंसिडर करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ये है dLnk by dt इज इक्वल टू ea अपॉन rt स्क्वायर। dLnk by dt इज इक्वल टू ea अपॉन rt स्क्वायर। k यहां पे रेट कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। ea को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, r इज गैस कांस्टेंट। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, और इस डिफरेंशियल फॉर्म को जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसका लॉगरिथमिक फॉर्म मिल जाता है। लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है बेटा ln k इज इक्वल टू ln a। ये ln a इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea/rt। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea/rt, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म जो इसी को सॉल्व करके मिलता है, और फिर इसी के बेसिस पे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑब्जर्व होता है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका है के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ea/rt। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और अगर हम दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट वैल्यू को हम कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट करें इसको, तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल जाता है। इंटीग्रेटेड फॉर्म जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादातर यूज होता है, ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म ln k2/k1 इज इक्वल टू ea/r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो आर्हेनियस इक्वेशन के ये चार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म। चारों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर क्वेश्चन जो स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें ये वाली इक्वेशन अक्सर यूज होती है। कई बार इस पे बेस क्वेश्चन भी आ जाता है।
सबसे ज्यादा ये इक्वेशन यूज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इस इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट को भी करते हुए जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अगर यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी हम कंसीडर करें, एक्टिवेशन एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस फॉर्म को भी यूज करना पड़ सकता है। मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर यहां से पूछी जाएगी तो प्योरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम पूछी जाएगी, ठीक है, बट इधर जो है इससे स्कूल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला फॉर्म भी मैंने देखा है कि पास्ट ईयर्स में इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आर्हेनियस इक्वेशन की ग्राफिकल एनालिसिस को कंसीडर करते हैं। लिखो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन की ग्राफिकल एनालिसिस को कंसीडर करें तो एक तो ये कर्व है जो आईआईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम एक प्लॉट को कंसीडर करें बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो आप यहां पे देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो 1 बाय टी डिक्रीज करेगा, 1 बाय टी डिक्रीज करेगा तो ईए बाय आर टी भी डिक्रीज करेगा बिकॉज ईए बाय आर पॉजिटिव वैल्यूज है, आर तो पॉजिटिव कांस्टेंट है और ईए की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है तो ईए बाय आर टी भी डिक्रीज करेगा। और अगर ईए बाई आर टी डिक्रीज कर रहा है तो माइनस ईए बाई आर टी, माइनस ईए बाई आर टी ये इंक्रीज करना चाहिए, माइनस ईए बाई आर टी इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन के साथ ये इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज करने का मतलब है बेटा कि जो पावर टर्म है वो एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर टर्म है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पूरा एक्सपोनेंट टर्म इंक्रीज करेगा। तो e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंक्रीज करेगा और a भी हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है तो इस वजह से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करना चाहिए। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट कॉन्स्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा, बट कैसे इंक्रीज करेगा तो आप बोल सकते हो भाई ऑब्वियसली लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, यहां पे लीनियर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन केल्विन कंसीडर कर रहे हैं इस वजह से कुछ ऐसा करवाना चाहिए। अगर यही हम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड लेते, अगर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते तब क्या होता, तब ऐसा कर ऑब्जर्व होता, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कर ड्रॉ करते। तो अब अगर आप कर्व देखोगे तो कर्व ऐसा आएगा,
तो आईआईटी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में कर्व पूछा गया। इसी तरीके से एक और कर्व हम यहां पे कंसीडर करते हैं, ये है कर्व बिटवीन लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट, log of rate constant and reciprocal of temperature, log of rate constant and reciprocal of temperature। तो ये expression मैंने आपको बताया हुआ है, ln k is equal to ln a minus ea by rt, ea by r into 1 by t। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस माइनस ई ए बाई आर इंटू वन बाई टी। तो एल एन के और वन बाई टी के बीच में अगर कर्व देखे तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कर्व है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कर्व है। तो इसका स्लोप माइनस ई ए बाई आर होगा और इंटरसेप्ट एल एन ए के बराबर होगा। तो आप देखो ई ए और आर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज है, तो माइनस ई ए बाई आर नेगेटिव होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप, एल एन ए का इंटरसेप्ट होगा और इसका जो स्लोप होगा बेटा वो होगा माइनस ई ए बाई आर के बराबर। अब देखो अगर हम ln k और 1 by t के बीच में कर ड्रॉ कर रहे हैं फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन के लिए कर्व ऐसा है और दूसरे रिएक्शन के लिए कर्व ऐसा है, हमने दो रिएक्शन कंसीडर किए हैं, ये दोनों के लिए अलग अलग कर्व। अगर हम इसको बोल रहे हैं ये है रिएक्शन वन और इसको बोल रहे हैं ये है रिएक्शन टू, तो अब जरा देखो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये 1 बाई टी एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर हम थीटा इसका देखें तो इसके लिए थीटा होगा ये, इसको बोल रहा है थीटा वन, और रिएक्शन टू के लिए अगर आप थीटा वैल्यू को देखो ये थीटा है, इसको बोलेंगे थीटा टू। तो ग्राफिकली अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे क्या है, यहां पे जो थीटा वन है वो ग्रेटर देन थीटा टू, हियर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। और अगर थीटा वन थीटा टू से बड़ा है तो टैन थीटा वन इज ग्रेटर देन टैन थीटा टू, ये बोल सकते हो। हियर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, दिस इंप्लाइज टैन थीटा वन इज ग्रेटर देन टैन थीटा टू। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज माइनस ई ए वन बाई आर, ई ए वन ये रिएक्शन वन की एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस ई ए वन बाई आर इज ग्रेटर देन माइनस ई ए टू बाई आर, माइनस ई ए वन बाई आर इज ग्रेटर देन माइनस ई ए बाई टू आर। तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं
this implies EA1 by R is less than EA2 by R. ये लिख सकते हैं EA1 by R is less than EA2 by R. तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं बेटा this implies EA1 is less than EA2. तो क्या कंक्लूजन इसके बेसिस पे निकल रहा है कि अगर हम दो रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं और वहां पे ln k और 1 by t कर्व उनके लिए ड्रॉ करते हैं तो जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. रिएक्शन वन के लिए स्लोप ज्यादा है, रिएक्शन टू के लिए स्लोप कम है. तो आप देख रहे हो रिएक्शन वन की एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन टू की एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी. तो आप इस बात को नोट कर लो. लिखो इन प्लॉट बिटवीन ln k, इन प्लॉट बिटवीन ln k अगेंस्ट 1 by t, ln k अगेंस्ट 1 by t, इन प्लॉट बिटवीन ln k अगेंस्ट 1 by t, straight line obtained with greater slope, straight line obtained with greater slope possesses lesser activation energy than that of a straight line having lesser slope value. अब इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन और ड्रॉ किया जाता है. जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी. तो इस बात को भी नोट कर लो. लिखो reaction with lower activation energy is faster than that of reaction having higher activation energy at a given temperature. Having a higher activation energy at a given temperature. इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो यहां पे रिएक्शन वन इज फास्टर देन रिएक्शन टू होगी. तो आप नोट कर लो देयरफॉर इन गिवन कर्व रिएक्शन वन इज फास्टर देन दैट ऑफ रिएक्शन टू. Reaction 1 is faster than that of reaction 2. अब एक बात और यहां पर डिफाइन की जाती है, वो है टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात. तो बोलते हैं कि अगर हमें रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को कंपेयर करना हो कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है. ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होने का क्या मतलब है बेटा, जरा ये समझना. ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को हम एक रेंज में इंक्रीज करते हैं, मान लो टेम्परेचर को हम T1 टू T2 चेंज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को T1 टू T2 चेंज करते हैं तो इन दोनों रिएक्शन में से किसके रेट में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा. अगर हम टेम्परेचर को T1 टू T2 चेंज करते हैं तो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2
में से किसके रेट में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, जिसके रेट में ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा वो रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व होता है मैथमेटिकली कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में उसके रेट में ज्यादा चेंज ऑब्जर्व होता है। तो अब आप यहां पे नोट कर लो, लिखो रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन दैट ऑफ रिएक्शन, देन दैट ऑफ रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, than that of reaction with lower activation energy, than that of reaction with lower activation energy। ठीक है, तो अब जैसे देखो बेटा यहां पे लिख लो, therefore in given curve, therefore in given curve reaction 2 is more temperature sensitive than that of reaction 1, reaction 2 is more temperature sensitive than that of reaction 1। तो अब जैसे देखो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर from T to T prime, अगर हम temperature को T से T prime change करते तो जो reaction one है, then for reaction one the ratio of the ratio of rate constant ये आ जाएगा बेटा K1 prime upon K1, the ratio of rate constant आप यहां पे लिखो is equal to K1 prime upon K1 for reaction 2। The ratio of rate constant is equal to K2 prime upon K2, K2 prime upon K2। अब जब हम इस रेशियो को कंपेयर करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि K2 prime upon K2, K2 prime upon K2 is greater than K1 prime upon K1। Mathematically ये ऑब्जर्व होता है। K2 prime upon K2 is greater than K1 prime upon K1। तो आप ये देख रहे हो कि रिएक्शन 2 के रेट कांस्टेंट में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है इन कंपेयर टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन 2 इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन दैट ऑफ रिएक्शन 1। ये ऑब्जर्व होता है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ये समझ में आया बेटा? ये ln के और 1 बाई टी के बीच में जो हमने कर्व ड्रॉ किया है, इस कर्व के बेसिस पे हम क्या क्या कंक्लूड कर रहे हैं वो क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं।
तो आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में इन्होंने बताया कि k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी को हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये आर्हेनियस इक्वेशन का, वेयर ए इज द आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए को हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये आप वहां पे लिख लेना, ये आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। इसमें इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं आपको अभी आगे के डिस्कशन में समझ में आएगा कि इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोला जाता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल रहे हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में ये पैरामीटर आ रहा है इसलिए इसको आर्हेनियस फैक्टर बोल रहे हैं या आर्हेनियस कॉन्स्टेंट बोल रहे। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यूनिट इसकी जूल पर मोल लेते, वैसे जरूरी नहीं है कि ये जूल पर मोल ही हो, ये दूसरी एनर्जी वैल्यूज को भी एक्वायर कर सकता है, दूसरी एनर्जी यूनिट को भी एक्वायर कर सकता है। R is gas constant, पता है आपको। तो बोले it can be understood clearly using the following simple reaction, जैसे H2 plus I2 gives 2HI, तो यहां पे बोल रहे हैं कि H2 है और I2 है, ये collide कर रहे हैं और इनके collision के through पहले एक intermediate बनता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप आगे देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और उनके कोलिजन से क्या होता है, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बॉन्ड रीअरेंजमेंट के थ्रू एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बोले द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेट अनस्टेबल इंटरमीडिएट। The energy required to form this intermediate called activated complex is known as activation energy. तो आप activation energy की definition लिखो, लिखो activation energy definition लिखो, लिखो the minimum amount of energy required. to form activated complex also called transition state, minimum amount of energy required to form activated complex also called transition state from reactant is called activation energy of the reaction, is called activation energy of the reaction। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो यहां पे इन्होंने बोला है
कि इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो वहां से हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है. तो आप इस बात को नोट कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट दैट इज टाइम. तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि टाइम के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उस कर्व के बेसिस पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं. और ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है इसको एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट दैट इज टाइम. आगे लिखो, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन. एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन. तो अगर हम एक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल को कंसीडर करें जो कि प्लॉट होता है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट और टाइम, तो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है. पहले भी आप इस कर्व को देख चुके हो, ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक, ये है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो यहां पे आप देखो, तो ये यहां पे आपको रिएक्टेंट मिलेगा, यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे रिएक्टेंट होगा, यहां प्रोडक्ट होगा, और यहां पे लाई करेगा ट्रांजिशन स्टेट लाई करेगा. और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर. तो देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है इसको बेटा थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी. और ये वाली जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. और ये वाली जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. और ये डिफरेंस जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहां से फिर एक बात और बोली जा सकती है. अच्छा,
एक मिनट, एक चीज यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हम इस एनर्जी डिफरेंस को कंसीडर करें, ये एनर्जी डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि डेल्टा एच रिएक्शन क्या है। तो डेल्टा एच रिएक्शन को आप बोल सकते हो ई ए एफ इज इक्वल टू ई ए बी प्लस डेल्टा एच रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच रिएक्शन। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। ई ए एफ माइनस ई ए बी। आप डेल्टा एच रिएक्शन को यह भी लिख सकते हो, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर। बाकी जो डिस्कशन है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म का, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपकी क्लास होगी मंडे को, और अगले वीक में बेटा केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट होगा। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड होगा, फ्राइडे को 7:30 to 8:30। थैंक यू सर। ओके बेटा।